पब्लिक टीवी आपकी आवाज। राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर विशेष गुप्ता ने सर्किट हाउस में मंडल के सभी जिलों के अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि बच्चे जितने ताकतवर होंगे देश भी उतना ही मजबूत होगा। सभी विभाग बाल अधिकारों के प्रति गंभीर होकर कार्य करें, यदि इसमें ढिलाई बरती गई तो कार्यवाही तय है। बैठक में मौजूद मंडल के पुलिस प्रशासनिक अफसरों, जिला श्रम प्रवर्तन अधिकारियों, जिला कार्यक्रम अधिकारियों, बेसिक शिक्षा अधिकारियों समेत विभिन्न विभागों के अफसरों को उन्होंने निर्देश दिया कि बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए पूरी प्रतिबद्धता से कार्य करें। उन्होंने कहा कि राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग 18 साल से कम उम्र के बच्चों के अधिकारों के संरक्षण के लिए सभी जरूरी कदम उठाएगा। बाल अधिकार संरक्षण समितियों का निरीक्षण कर उनसे ठीक से कार्य कराया जाएगा। आज राज्य बाल संरक्षण आयोग की पहली मुरादाबाद मंडल की समीक्षा थी। इस मंडल की समीक्षा में सभी प्रशासनिक अधिकारी, सभी पार्टनर्स, चाहे बीएसए रहे हो, चाहे डीआईओएस रहे हो, चाहे समाज कल्याण के साथ साथ मेडिकल, बाल कल्याण समिति, किशोर न्याय बोर्ड, अर्थात बच्चों के अधिकारों के लिए जो जो संस्थाएं उनके संरक्षण करने के लिए काम कर रही हैं, उन सारे पार्टनर्स को आज बुलाया गया था उत्तर प्रदेश शासन की ओर से। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के अनुसार ये बैठक आयोजित की गई थी। ये पूरे मंडल की समीक्षा है। 50% अभी हमने समीक्षा कर ली है, सबको लिखित में डॉक्यूमेंट लिए हैं, सबसे प्रतिबद्धता दोहराई है कि चाहे वो प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहा है, चाहे वो बच्चों के स्वास्थ्य के लिए काम कर रहा है, चाहे वो बच्चों के अधिकारों के संरक्षण के लिए काम कर रहा है, चाहे वो विकलांग बच्चों के लिए काम कर रहा है, दिव्यांग के लिए काम कर रहा है, या नाबालिग बच्चों के लिए काम कर रहा है। आज चूँकि ये पहली बैठक थी और ये समीक्षात्मक बैठक है, आज राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के आदरणीय अध्यक्ष जी डॉक्टर विशेष गुप्ता जी द्वारा आज पूरे मंडल की समीक्षा बैठक यहाँ सर्किट हाउस में दी जा रही है। उनके द्वारा निर्देशित किया गया है कि जो भी सरकार की मंशा है वो तो सरकार की मंशा के अनुरूप यहाँ काम होना चाहिए। जो भी बच्चे हैं, जो भी उनके अधिकार हैं, जो भी उनका अनुदान है, उनका अनुदान उनको पूरा मिलना चाहिए, उनके साथ कोई अन्याय नहीं होना चाहिए। और जो भी मंशाएँ आदरणीय मुख्यमंत्री ने चर्चा के दौरान आदरणीय डॉक्टर विशेष गुप्ता जी को बताई, उसके अनुरूप यहाँ काम करने के निर्देश उनके द्वारा यहाँ दिए गए हैं। उसी समीक्षा बैठक में आज मेरे को रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और मेरे द्वारा भी यहाँ पर निर्देशित किया गया है कि कार्यप्रणाली अपनी सुधार लें, जो सरकार की उम्मीदें हैं उसके अनुरूप यहाँ काम करना चाहिए। और आदरणीय डॉक्टर विशेष गुप्ता जी अध्यक्ष बनने के बाद मुरादाबाद प्रथम बार आए हैं, उनका बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ।